देश में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया, किसी के साथ बात भी नहीं किया। 147 एमपी को सस्पेंड करके जो 3 बिल ले आया, हम लोग समझ में नहीं सकते क्या है इसका कारण, क्या है किसी को पता नहीं है। अब FIR कैसे करेगा, कौन किस में FIR करना है, कौन किस में FIR नहीं करना है। इवन डॉक्टर लोगों ने भी मूवमेंट में उतारा कि वो लोगों को बुला है कि वो लोगों को भी 6 महीना जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ बात है 6 साल। तो एवरीबॉडी इज अफ्रेड। तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी को टाइम में उन्होंने ऐसा डिस्कशन अनाउंस किया, तो पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपन लोगों को देखना चाहिए। एंड मुंबई में आप लोगों को पता ज़्यादा है हाउ दे हैव वॉन दिस 48 वोट इन ए पर्टिकुलर सीट लाइक दिस, दे हैव कैप्चर्ड सो मेनी एरियाज, अदरवाइज दिस टाइम दे वर नॉट एबल टू कम, आई एम श्योर ऑफ इट। एंड दिस गवर्नमेंट मे नॉट कंटिन्यू ऑल्सो, इट इज नॉट स्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट, बट माई बेस्ट विशेस टू दम भैया आदित्य, आई विल मीट शरद जी ऑल्सो एज ए सीनियर लीडर, बिकॉज वेन एवर आई एम इन बॉम्बे आई ऑलवेज मीट उद्धव जी, शरद जी, इवन सज्जन जिंदाल जी ऑल्सो इन्वाइटेड मी फॉर ए कप ऑफ टी, बट दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, आई टोल्ड हिम नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग सम बिजनेस इन बंगाल ऑल्सो, सो वी मेंटेन गुड रिलेशन। मुकेश जी ऑल्सो आई केम बिकॉज ही इन्वाइटेड मी सो मेनी टाइम्स, एंड ही ऑल्सो यूज टू कम टू माई बंगाल विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन, सो एवरीबॉडी केम, आई ऑल्सो केम, बट टुमारो आई एम लिविंग, सो आई विल अटेंड टू थिंग। दीदी आप ऐसा क्यों करें कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है? कैसे स्टेबल है आप समझाओ मेरे को, क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं 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 प्लीज, मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहने चाहती, के बार में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। दीदी आप यहाँ पर उद्धव जी से मुलाकात की, अब शरद पवार जी से मुलाकात करेंगी, क्या आपके लिस्ट में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता जिससे आप मुलाकात करेंगी, क्योंकि कांग्रेस से काफी इधर में नहीं, इधर में जब मुरली दौरा थे ना, हमारे साथ बहुत आपसे जान पहचान था, हम एमपी था पार्लियामेंट का, हम मीट करते थे, लेकिन अभी हम इधर में किसी को पहचानता नहीं है, तो इसी के लिए दिल्ली में जब जाते हैं मीट होता है, लेकिन इधर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो एक बैनर तले कांग्रेस भी है, आप भी हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन देखा गया है कि आपका कांग्रेस के बीच की मतभेद जो है बढ़ती नजर आई, चाहे दिल्ली की बात की जाए चाहे बंगाल की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत दिलाया जाए? अरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ है लड़ने के लिए, हम तो CPM कांग्रेस को साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है, कि हम तो CPM का साथ लड़ाई करके हम पावर में आया, CPM का साथ हमारा रिश्ता नहीं है, CPM कांग्रेस BJP अगर बंगाल में एक साथ में काम करें तो हमारा लिए दिक्कत होता है, 3 पार्टी मिलकर एक दफे भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब एक कट्टा होते ही है। दीदी बांग्ला प्रसंगे একটা প্রশ্ন, আমি একটা কথা বলি, এসব কোশ্চেন আশা করি এখানে করবেন না। देखो सज्जन जिंदल जी भी उधर में 2 पावर का फैक्ट्री बना रहे हैं,
और हमारा जो अंडाल एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। थोड़ा गंगुली इज ऑल्सो डूइंग, सो इट्स गुड फॉर बंगाल ऑल्सो एंड फॉर कंट्री ऑल्सो। যদি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখে, সেখানে কি আপনারা মোদী সরকারের যে জলবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট কি একসঙ্গে লড়াই করবে? দেখো ইন্ডিয়া টিম ইজ এনাফ স্ট্রং আর ইন্ডিয়া টিম অল দ্য টিম আর ইম্পর্টেন্ট, সো আই শুড নট সে এনিথিং অ্যাবাউট পার্লামেন্ট, ইট ইস দ্য এমপিস উইল ডিসাইড অ্যান্ড দে উইল থিঙ্ক হোয়াট এভার দে লাইক টু ডু হোয়াট ইজ কারেক্ট। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से, तब से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी जिस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उन्होंने जो फाइट किए महाराष्ट्र में उसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, उसको देखो सिंबल भी ले लिया, दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। इंस्टेड ऑफ दैट दे फॉट लाइक टाइगर एंड आई लाइक इट। पारिवारिक मुलाकात है, तो बोले ना बोले आमी तो रोज देखी ना, आमार पुत्र के नॉलेज नहीं आशे, लेट मी सी फर्स्ट की बोले छे देन आई कैन रिप्लाई, विदाउट सीइंग आई कैन नॉट रिप्लाई। नो सुनो 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 एक मिनट, मुझे जो कुछ कहना है मैं ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहूँगा, आप कृपा कर समझिए ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी, कृपा कर इसमें राजनीति ज़्यादा मत लाइए। हम जो हमें कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है, और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उसमें कुछ डरेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि पारिवारिक मुलाकात है, इसमें कृपा कर राजनीति ज़्यादा मत लाइए। तो धन्यवाद सर। खाली खाली एक बात हमारा लिए, हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर मेन आइडियोलॉजी एंड वी यूज टू प्रोटेक्ट इट।